और जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां पर समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा शमशाबाद और अमृतपुर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को डेढ़ महीने से लगातार राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं। बता दें, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में और अभी तक सैकड़ों गांवों में सामग्री उपलब्ध करवा चुके हैं। लगातार उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिया जा रहा है कि जब तक बाढ़ रहेगी तब तक बाढ़ पीड़ितों को वो मदद करते रहेंगे। बाढ़ तो इस बार बहुत भयंकर विकराल रूप से आई है और पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका है। मेरे स्तर से जो हो सकता है, मैं लगभग डेढ़ महीना हो गया है और डेढ़ महीने में मैंने हर गांव में अपने जिला पंचायत सदस्य के प्रथम क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हूं, वहां मैंने हर घर में हर दरवाजे तक जो मदद पहुंचा सकता था वो पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो खाना हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे मोमबत्ती हो, माचिस हो, जैसी जहां समस्या थी उस हिसाब से मैंने वहां पर मदद पहुंचाने का काम किया है। कितने गांव में अभी तक आपके द्वारा मदद दी जा चुकी है? अपने क्षेत्र से लेके और गंगा पार तक मैं जा चुका हूँ। अपने क्षेत्र में हमारा यहाँ से शुरू होता है, बरई ग्राम पंचायत में लुखड़पुरा से पानी शुरू होता है, तो लुखड़पुरा है, चंपतपुर है, नरुआ नंगरा है, उलीजाबाद है और धुंधा है, उलियापुर है, इसके बाद झौवा है, बड़ा झौवा है, पाल नगरा है, कटी तौफीक है और इसका रूपपुर मंगलीपुर है, रमपुरा है, डाल नंगला है, भिड़ौर है, लोहा पानी है, हज्जू नंगला है। मतलब ऐसा कोई हमारे क्षेत्र में गांव बचा नहीं जिस दरवाजे पे मैं पहुंचा ना हूँ। इसके बाद मैं गंगा पार में भी जा चुका हूँ, सबलपुर, कंचनपुर, इमादपुर, खानपुर, लायकपुर, कुसमापुर, भाऊपुर और अभी गया था मैं बनारसीपुर और सुबानपुर, किराचन, खुशहाली नंगला, दो तीन चार गांव उधर अभी छूटे हुए हैं थोड़ा, बाकी मैं हर घर पे हर दरवाजे पे हुआ है। आप बाढ़ क्षेत्र में जाते रहते हैं तो क्या बाढ़ के हालात हैं, भयावह हैं, लोगों को कैसा जीवन यापन करना? मतलब अगर आप मेरे साथ होते तो जैसे मेरे आंसू आ जाते थे लोगों को देख के, तो आपके भी आंसू आ जाएंगे। ऐसी स्थिति है, बयां नहीं कर सकते हैं। और समस्या इस बात की है सबसे जटिल कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपने दायित्व को सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर सब जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, ये अगर सब लोग अपने स्तर से भी कोई राहत दें तो लोगों को राहत हो सकती है। लेकिन बस केवल इतना होता है, जो सरकारी आता है उसी में सब लोग, आपने भी देखा होगा, उसी में हाथ लगाते हुए देखा होगा, किसी जनप्रतिनिधि ने अपने तरफ से एक पैसे का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाया है। आपको क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधि जो जिले के हैं वो अपने वादों पर खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो इसका जवाब तो जनता देगी। हर जनप्रतिनिधि अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा बताता है, लेकिन असली बात तो जनता बताती है। आप किसी गांव में चले जाएं, किसी धर्म में चले जाएं, किसी मजहब में चले जाएं, किसी गांव में अभी तक जनप्रतिनिधि गए नहीं हैं, और गए भी हैं तो केवल जहां रोड पे पानी शुरू हुआ वहां पर जाके और एक फोटो खिंचा के और अपनी सोशल मीडिया पे डालने का काम किया है। क्या 2024 में फर्क पड़ेगा? 2024 में फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जनता इस बार जो है पूरी दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि इस बार जो जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, एक बंदा बनने को था और इसका माननीय विधायक महोदय द्वारा वचन दिया गया था गंगा पार वालों को कि इस बार बंदा बन जाएगा, और वो बंदा नहीं बना है। अगर बंदा बना होता तो आज वहाँ पर बाढ़ की निजात मिल जाती, बाढ़ नहीं होती। ऐसी हमारे शमशाबाद के क्षेत्र में भी अगर बंदा बना होता तो हो जाता, लेकिन करने वाला कौन है? आपकी पार्टी को कितना लाभ हुआ? हमारी पार्टी का लाभ पहले तो हमें व्यक्तिगत देखना है। हम एक व्यक्ति हैं, हम एक सामाजिक रूप से एक मानव का रूप हमने लिया है, आज हम एक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हर धर्म और हर मजहब के व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी आर्थिक सहायता करें। इसके बाद पार्टी की बात रही तो पार्टी की, मेरी समाजवादी पार्टी है, मैं उसका सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मैं 2022 में आवेदक भी रहा हूँ अमृतपुर विधानसभा से। अलग बात है, पार्टी के दिशा निर्देश था, उन्होंने डॉक्टर साहब को टिकट दे दी, मैंने तन मन धन से उनकी मदद की
जनता है वो जैसा निर्णय लेती है अच्छा लेती है, और आने वाले समय में इसका आपको सकारात्मक प्रमाण दिखाई देगा और बदलाव होगा। बाढ़ तो इस बार